नमस्कार, आज हम आपके सामने लेके आए हैं पिज़्ज़ा पूरी। जी हाँ, ये एक ऐसी डिश है जो सभी को बहुत पसंद आएगी। इसे बनाना कैसे है मैं आपको ये बताती हूँ। चलिए बढ़ते हैं इसके बनाने की विधि की ओर। सबसे पहले हम एक बड़ी डिश लेंगे और उस डिश में हम सजाएंगे पोटैटो पेरी पेरी क्रिस्पी। जी हाँ, ये जो हैं आपको बाज़ार में ईजिली मिल जाती हैं। इन्हें हमने सजाना है और इवनली रखना है ताकि ये सारी की सारी पूरियां हमारी प्लेट में स्प्रेड हो जाएं। इसके ऊपर हम लगाएंगे चीज़ स्लाइस। जी हाँ, एक स्लाइस को चार हिस्से में बांटिए और छोटा पीस, दैट इज़ 1/4 ऑफ ईच स्लाइस, स्प्रेडेड ऑन द पिज़्ज़ा पूरी। See that every puri is covered with the slice. अब हम लेंगे टमाटोस। जी हाँ, टमाटो रिंग्स है हमारे पास जिसे हमने राउंड में काट रखा है। टमाटो छोटे साइज में ही लीजिएगा ताकि हम वो पूरी के ऊपर इवनली स्प्रेड कर सकें इस तरह से। अब बारी आती है ऑनियन रिंग्स की। जी हाँ, ऑनियन को भी राउंड में काटिए और उसके फ्लेक्स निकालिए तो आपको एक सिंगल रिंग इस तरह से मिलेगी। उसे हम टमाटोज के ऊपर रख देंगे। सभी टमाटोज पे इसे रखना है। अब बारी आती है येलोपिनो की। जी हाँ, छोटे साइज में लीजिएगा, ये चटपटा बना देगी हमारी पिज़्ज़ा पूरी को। और कोशिश कीजिएगा कि ये साइज जो है रिंग के अंदर बराबर फिट हो जाए। इसे भी हम सारे रिंग्स के अंदर रख देंगे। अब हम लेंगे सेव। जी हाँ, सेव आप कोई भी ले सकते हैं, चटपटा ले सकते हैं या सादा, मोटा या बारीक आपके ऊपर छोड़ते हैं। हमने जो लिया है वो मीडियम साइज़ का है और फीका सेव है, इसमें कोई टेस्ट नहीं है। इसे हम हर एक रिंग पे रखेंगे ऑन द टॉप ऑफ येलोपिनो। ये बहुत ही सुंदर लगेगी और इसी से हमारा वो जो पिज़्ज़ा पूरी है वो नाम फिट बैठता है। आप देखेंगे एक टॉपिंग सी बन गई है। अब बारी आती है चीज़ की। जी हाँ, चीज़ को हम इसी के ऊपर ग्रेट करेंगे इवनली। जस्ट स्प्रेड करते जाइए, आप चाहें तो अलग से ग्रेट करके हाथ से उसे स्प्रेड कर सकते हैं। ये बहुत ही सुंदर लग रहा है। अब बारी आई है मिश्रण की। दिस इज़ अ मिक्सचर ऑफ ओरिगैनो, चिली फ्लेक्स एंड पिज़्ज़ा हर्ब। जी हाँ, ये भी हमारे डिश को एनहेंस करेगा और बहुत ही टेस्टी बना देगा। यू कैन बी लिबरल विद दिस। अब लास्ट में हम डालने जा रहे हैं सॉस। ये टमाटो सॉस है जिसे हम सिर्फ एक एक बूंद या एक ड्रॉप जिसे आप कह सकते हैं, थोड़ा थोड़ा सा हम सिर्फ टॉप पे ही डालेंगे। इसे देखकर बच्चे भागे हुए आएंगे और इसे खाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। ये बहुत ही सुंदर लगेगा जब पूरा तैयार हो जाएगा। लीजिए, हमारी डिश तैयार है। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। आप इसे लाइक करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे। थैंक यू सो मच।